हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब मोबाइल रिपेयरिंग नंबर वन चैनल में वेलकम है गाइस। बात करेंगे आज जाके रेडमी नोट 10 प्रो, ये जो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है गाइस, बूटेबल डेड हो गया है, मतलब फ़ोन ऑन नहीं होता है। मतलब मैंने इसको चार्ज में लगाया देखा और पूरे तरीके से चेक किया, इसको ऑन नहीं हो रहा था। तो ये गाइस कस्टमर का कहने का मतलब था कि ये फ़ोन मेरा ऑटोमेटिक बंद हो गया चलते चलते। तो हमने इस फोन को चेक कर रहे हैं खोल के कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, और चारों बगल को विस्टर कोयल सब चेक करेंगे कि इसमें कहीं क्या शॉर्टिंग की वजह से नहीं ऑन हो रहा है, कि इसका कॉलकॉम आईसी मतलब ड्रैगन मतलब कंप्यूटर में सपोर्टेड हो गया है इस वजह से अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए गाइस मल्टीमीटर से इसको चारों बगल से चेक कर लेते हैं, शॉर्ट है कि माइनस है। यहाँ पर चेक करें तो कहीं भी मतलब बीट लाइन ऐसा कोई पॉजिटिव शॉर्टेड तो यहाँ पर नहीं दिखाता है। ऊपर में यहाँ पर जो कंडीशन होता है कि मतलब वोल्टेज सही तरीके से बताता है मीटर के ऊपर, पर अंदर से कुछ बूटेबल जो शॉर्ट होता है, मतलब कोई कैपेसिटर या कुछ ऐसा कोई आईसी जो होता है इसके अंदर, मतलब छोटा मोटा कैपेसिटर वही शॉर्ट हो जाता है, इसके वजह से ये ऑन नहीं हो पाता है। तो हम ये सब कॉइल को चेक करेंगे अच्छे से चारों बगल से, मतलब पूरे कहीं भी ये मतलब पार्ट्स को अच्छे से चेक करने के बाद जाकर इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम को इस तरह आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं गाइस। तो इसमें बहुत मेहनत है और हम लोग तो रोज़ का काम है, तो इस वजह से तो इसका हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट होता है, किस जगह पे मतलब ये जो ज़्यादा होता है बूटेबल डेड हो जाता है। मतलब जो मतलब कैसे कि कंप्यूटर में जैसे कि सॉफ्टवेयर के लिए फ़ोन को रिबूट या रिकवरी मोड में कॉलकॉम आईसी मतलब सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से ये मतलब ये जो है इसका जो आईसी जब मतलब छोटा मोटा जो होता है वो डैमेज हो जाता है, इसके वजह से ये फ़ोन जो है मतलब बूटेबल में अटका हुआ रह जाता है, इस वजह से फ़ोन ये सब ऑन नहीं हो पाता है। ऐसा कंडीशन में आपको ज़्यादा देखिएगा इस प्रॉब्लम यहाँ पे निकल चुका है। इसी जगह पे मतलब छोटा सा एक सफ़ेद वाला मतलब कॉइल, छोटा मतलब कॉइल है, उसको आपको तोड़ देना, मतलब ज़रा सा महीन सा रहता है, आप उसको रिमूव कर देना। मतलब आप चाहे आयरन से भी कर सकते हैं या चूटे से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ चूटे से इसको तोड़ के निकाल देते हैं, तो इसी जगह पे शॉर्ट हो जाता है। मतलब अब ये जो है फ़ोन जो है बूटेबल रिकवरी मोड में कभी नहीं जा पाएगा। अब ऐसा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए इसको तोड़ के निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, रिमूव कर दिए हैं गाइस, ये प्रॉब्लम 100% लग रहा है कि सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चेक उक कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पर साफ़ कर देते हैं छोटे से ही निकाल के, क्योंकि अच्छे से मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, मतलब एक कैजुअल ताकत लगाना है, मीडियम मतलब हल्का प्रेस कीजिएगा तो हल्के से रिमूव से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन उंगली पे अपने रख के आपको दिखा रहे हैं, दिखाई तक नहीं दे रहा कैमरे में, फिर भी आपको ये देखिए साफ से दिखाई देगा एकदम। तो यही जो है मतलब शॉर्ट हो गया था, इसके वजह से ये जो है फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। चलिए अब इसको बोर्ड को हम लोग फिर से इसको पैक करके अब लगा लूँ, चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेंगे कुछ और भी शॉर्टेड है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं तो गाइस कुछ शॉर्ट अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब सिंपल मतलब साफ यहाँ पे फ्रेश है, मतलब कोई दिक्कत यहाँ प्रॉब्लम अब नहीं यहाँ पे अब है। तो अब इसको हम चाहे तो लगा के चेक भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप फिट कर देते हैं जिस टाइप से था, बोर्ड को पैक करेंगे। तो गाइस ऐसा प्रॉब्लम सब सॉल्व करने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ऐसा सब वीडियो देखने के लिए। तो और इसको पैक करके आप चलो ये यहाँ पे फटाफट को कैमरे को भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड को अच्छे से हम लोगों ने फ्रेश कर दिया है, मतलब ये जो फ़ोन है अब ये आसानी से मतलब खुल जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, ये फ़ोन का भी लाइट भी बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आप पहले काम करने से पहले बाहर के पार्ट्स सब चेक कर लीजिए, इससे क्या होगा कि मतलब जो बाहर का पहले पार्ट सब शॉर्ट है वो जो पहले रिमूव कर शॉर्ट ख़त्म कर दिया जाता है, तब आगे का पार्ट से देखा जाता है कि मतलब आगे करना क्या है, तब आईसी को मतलब टेस्टिंग आईसी मतलब को निकाल के उसको रिमूव करके मतलब बनाना होता है इसके आगे। तो ये जो पहले ही आपका आसानी से सॉल्व अगर हो जाएगा ऐसे प्रॉब्लम में तो बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से पहले फ़ोन सर्विस कीजिएगा तो काफ़ी मतलब इसमें जो है मतलब आगे चल के मतलब लाइफ जो इस फ़ोन का लाइफ जो रहेगा मतलब लॉन्ग लाइफ रहेगा और चलता भी रहेगा जब तक।
यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड यहाँ पे पूरा अच्छे से पैक कर दिया और यहाँ बैटरी कनेक्टर और नेटवर्क का तार यहाँ पे सब एंटीना ये सब को अच्छे से सेट करके पैक उप करके यहाँ पे आपको चेक कराएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ समय लगता है गाइस पैक करने में। चलिए पैक हो गया है, ऑन करके चेक कर ले। तो गाइस यहाँ पावर बटन को हम दबा के रखे हुए हैं। चलिए गाइस ये पावर ऑन हो चुका है, मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसी तरह आप अपने फ़ोन को मतलब आसानी से बूटेबल डेड या डेड हो गया आसानी से इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले बाहर का पार्ट्स आप लोग चेक कीजिए तभी जाके अंदर का पार्ट्स चेक किया जाता है, इसी टाइप से फ़ोन को सर्विस किया जाता है। तो ऐसा सब फ़ोन सर्विस कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे आगे चलेगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से फ़ोन वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं गाइस।